उत्तराखंड के रुड़की में रसोई गैस की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। भगवानपुर में प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर कई गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग करने के यंत्र भी बरामद किए हैं। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने ढाबों और दुकानों में छापेमारी की। प्रशासन का दावा है कि रसोई गैस की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए आगे भी छापेमारी अभियान जारी रहेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रशासन सख्त है तो रसोई गैस की कालाबाजारी कैसे हो रही है। नायब तहसीलदार और मेरे द्वारा जो है विभिन्न होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों में जो है 14.2 के जो घरेलू गैस के सिलेंडरों के जो यूज किए जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें हमें 31 सिलेंडर जो है बरामद किया हमने, और आगामी त्योहारों को देखते हुए आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसी कालाबाजारी हो रही है, रिफिलिंग कर रहे हैं लोग, ढाबों पर, दुकानों पर बड़े सिलेंडर के बजाय छोटे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस संबंध में आज पूर्ति निरीक्षक के साथ में जाकर छापेमारी की गई है और 30 सिलेंडर बरामद।